फ्रेंड्स, लास्ट अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 के जो कंटेंट्स डिस्कस किए थे उसमें वाल्व रिफेसर, क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग, क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग में जनरल ग्राइंडिंग और क्रैंक पिन ग्राइंडिंग ये डिस्कस किए थे। तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे ये था क्रैंक पिन ग्राइंडिंग। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये क्रैंक पिन है, यहाँ पर इसकी ग्राइंडिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी एक्सिस है और जो क्रैंक पिन है उसकी एक्सिस ये है। तो क्या होगा जब ये रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी तो एक थ्रो उत्पन्न होता है, थ्रो व्युत्पन्न होगा। तो इसकी जो एक्सिस होगी क्रैंक पिन की वो भी अपने स्थान से डेविएट होती रहेगी, ऊपर नीचे रोटेट करती रहेगी। तो उसकी एक्सिस को ही ग्राइंडिंग व्हील की एक्सिस फॉलो करती है। जितनी ये ऊपर आएगी क्रैंक पिन की एक्सिस, ये भी उतना ही ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से फॉलो करती रहती है और मशीनिंग की प्रोसेस होती रहती है। क्रैंक पिन हमारी सरफेस फिनिश होती रहती है क्रैंक पिन की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो डिस्कस करने हैं आज, इंजन ट्यूनअप इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, इससे हम इंजन को ट्यून करते हैं। तो क्या है उसमें? बेसिक टूल्स, एडिशनल टूल्स, इक्विपमेंट फॉर सर्विस स्टेशन, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, मीजरिंग टूल्स। तो सबसे पहले इंजन ट्यूनअप इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ती है? वाहन की सर्विसिंग, ट्यूनिंग इत्यादि में विभिन्न प्रकार के यंत्र उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे यंत्रों की हमें आवश्यकता होती है। अधिकतर उपकरण लगभग प्रत्येक प्रकार के वाहन में उपयोग किए जाते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि लगभग सभी वाहनों में होते हैं। कुछ विशेष उपकरण किसी मॉडल विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ ऐसे विशेष उपकरण होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर मशीन पे यूज होते हैं, मशीन के लिए या वाहन के लिए यूज होते हैं। अधिकतर सर्विस स्टेशन किसी न किसी वाहन निर्माता द्वारा अधिकृत होते हैं, जबकि कुछ प्राइवेट सर्विस स्टेशन भी कार्य करते हैं। तो जैसा आप जानते ही होंगे, जो भी वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनके अब सभी के अपने सर्विस स्टेशन होते हैं। बाकी उसके अलावा कुछ प्राइवेट सर्विस सेंटर्स भी होते हैं जो कि सभी प्रकार के वाहन की सर्विसिंग करते हैं। तो बेसिक टूल क्या क्या है, बहुत सारे आप जानते भी होंगे पहले से, हैमर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, रेंच, सेट, रेंच, चीजल, फाइल, हैक्सा, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, बेंच वॉइस, एनविल, सेंटर पंच, सॉकेट सेट, बॉक्स स्पैनर सेट, टायर रिमूवल टूल्स एंड ब्रशेस। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आपको पहले से लगभग जानते हो। तो ये बेसिक टूल्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, इनके लिए आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा और क्या एडिशनल टूल्स हैं? ब्रेक टेस्टिंग इक्विपमेंट, तो हम इससे ब्रेक की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक ब्लीडर, ब्रेक ब्लीडर की क्या आवश्यकता पड़ती है कि ब्रेक हमारा लीक तो नहीं हो रहा है। टायर चेंजर की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें टायर चेंज करना है। टायर टेस्ट टैंक की आवश्यकता पड़ती है। टायर वल्केनाइजर की आवश्यकता पड़ती है कि हमें अगर उसको उसका पंचर में जोड़ना है तो उसके लिए वल्केनाइजर की आवश्यकता होगी। कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट हमें चेक करना होता है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। सिलेंडर बोरिंग मशीन की आवश्यकता होती है। वाल्व ग्राइंडर की आवश्यकता होती है। वाल्व रिफेसर की आवश्यकता होती है, अगर वाल्व हमारा वियर हो गया है तो उसको हमें रिफेस करना होगा। उसके बाद कैम्बर, कैस्टर, किंग पिन अलाइनमेंट गेज की आवश्यकता होती है। व्हील बैलेंसिंग इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, व्हील अनबैलेंस हो जाते हैं हमारे चलते, तो वॉशिंग मशीन की आवश्यकता होती है। पेडस्टल ग्राइंडर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए। कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, नोजल टेस्टिंग होना चाहिए। स्पार्क प्लग टेस्टर होना चाहिए। टाइमिंग टेस्टर होना चाहिए। टैकोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स फॉर सर्विस स्टेशन, क्या क्या चाहिए होता है? जैक वाहन को लिफ्ट करने के लिए, कार लिफ्ट, हॉइस्ट, एयर कंप्रेशन होने चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ कूलर्स होने चाहिए जिससे हमें बियरिंग वगैरह निकालते हैं, कंप्रेशन गेज होने चाहिए, वैक्यूम गेज होना चाहिए, ल्यूब्रिकेशन टूल्स होने चाहिए जिससे ल्यूब्रिकेशन करते हैं, गेज गन होनी चाहिए, बैटरी चार्जर होनी चाहिए और बैटरी टेस्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या है? स्टील स्केल हमारे पास होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास होना चाहिए और दोनों प्रकार का होना चाहिए, आउटसाइड कैलिपर भी और इनसाइड कैलिपर भी। नेक्स्ट हमारा थ्रेड पिच गेज, तो हमें कई बार थ्रेड की पिच भी चेक करने की आवश्यकता होती है, तो थ्रेड पिच गेज भी हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वायर गेज, तो वायर गेज भी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि अलग अलग जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं तो अलग अलग गेज के वायर के पास लगाने की आवश्यकता होती है, तो वो भी हमें चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास गेज होना चाहिए। नेक्स्ट फिलर गेज होना चाहिए, रेडियस ऑब्लिक फिलर गेज होना चाहिए ताकि हम कहीं पर रेडियस हमें चेक करनी है हम चेक कर सके। आउटसाइड माइक्रोमीटर होना चाहिए एंड सरफेस प्लेट, तो सरफेस प्लेट पर रख के लिए हम सारे प्रिसीजन के काम करते हैं तो ये भी होनी चाहिए। तो आज हमें इतना ही डिस्कस करना था स्टूडेंट्स। थैंक यू।